वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आर्टी हब। फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा। आज मैं राधा रानी की सूती पोशाक बना रही हूँ कॉटन। मैंने पिछली बार कृष्ण जी की बनाई थी धोती और दुपट्टा, वो भी बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ था। तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मुझे, और लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें जिससे मुझे, हमें प्रोत्साहन मिलता है अच्छा अच्छा काम करने के लिए। तो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ। मैंने 7 इंचेस लिया है, मेरी 4 नंबर की मूर्ति है, विग्रह है, युगल विग्रह मेरे पास। पिछली बार मैंने उनका धोती और जो इसी वाइट और इसी उससे बनाया था लेस से, तो ये 7 इंच मैंने लिया है। तो इसमें 1.25 इंच मेरे नीचे मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा, आराम से मेरा निकल जाएगा 1.25 तक। तो मेरे को चाहिए 5.5 तैयार। 4 नंबर का है, 4 नंबर के हैं नीचे से, वेस्ट से नीचे तक का। लेकिन जो नीचे गोल स्टैंड होता है, तो राधा रानी का जो लहंगा रहता है वो लंबा रहता है और वो पूरे इसको भी कवर करता है, इसलिए उसकी लंबाई करीब मेरी 5.5 से 6.25 तैयार आ जाएगी। ये दुपट्टा बना रही हूँ, तो ये भी मैंने 15 इंच लंबा लिया है और ये है 3.5 इंच चौड़ा। तो इसको मैं फोल्ड करके लेयर में बना दूँगी स्टोल जैसे। तो ये बनके अच्छा लगेगा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये बनने के बाद पोशाक बहुत अच्छी लगती है, सूती है वस्त्र उसी हिसाब से, गर्मी के लिए बहुत सुंदर चीज़ है ये। मैंने ऊपर का जो बॉडी पार्ट बनाएंगे उसके लिए 9 इंचेस लिया है, इसको हाफ कर देंगे तो दोनों तरफ के लिए इस पर से बन जाएगा। ये बॉर्डर है, ये स्कर्ट में तीनों में ये यूज़ करूँगी मैं बॉर्डर। तो अब मैं देखिए बताती हूँ आपको ये कैसे मैंने स्कर्ट बना दिया है। इसका जो नीचे का पोर्शन है तो तीनों इसी तरह से बन के एक ही बॉर्डर से, और बहुत कम चीज़ में मेरा रहता है कि कोई भी चीज़ बहुत कम चीज़ में और आसानी से उपलब्ध चीज़ों में बन जाए। ये देखिए स्कर्ट के लिए मैंने बना दिया है, नीचे पूरे में 3 लेयर वो लगा दी है। ये देखिए, ये ऊपर का टॉप का जो था 9 इंचेस काट के 4.5 इंच दोनों में पूरा बॉर्डर लगा दिया और इसको इसमें फिक्स कर दिया है। घेर में प्लीट्स डाल दिए हैं बराबर हाथ से बस। और ये क्लोथ बटन है मेरे पास जो स्टिक करने के लिए है, शो के लिए बस हल्का सा लगा रही हूँ और कोई चीज़ यूज़ नहीं की है मैंने। ये देखिए, ये ऊपर का स्टोल बोलेंगे तो दुपट्टा बोलेंगे, ये जो भी है मैंने तैयार किया है। इसको शोल्डर पर फिक्स भी कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट भी डाल सकते हैं, इसको साइड में भी डाल सकते हैं। ये बटन्स जो हैं इनको मैं स्टिक कर रही हूँ, इसमें लगाने का नहीं है, पीछे चिपकाने के लिए ही है ये बटन। तो इसको थोड़ी देर सुखाएंगे तो अच्छे से फिक्स हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लेती है सूखने में। ये थोड़ा सा अभी सूखेगी तो अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ये बहुत सुंदर एक वन पीस फ्रॉक सब बोलेंगे, पूरा लॉन्ग जो है, लॉन्ग फ्रॉक बोल सकते हैं इसको, वन पीस गाउन बोल सकते हैं या जो भी है। तो अच्छे से पूरा तैयार हो गया है, इस तरह से आप लोग भी बनाएं। और ये दुपट्टा भी है, इसको भी शोल्डर पर फिक्स कर देंगे तो टोटल 1 पीस बन जाएगी। ऑप्शन है, इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं। इसमें भी नीचे मैंने टच लगाया है और ये फ्रॉक में भी पीछे की तरफ मैंने 3 टच लगा दी है, वेस्ट से लेके, तो तीनों में अच्छे से पीछे से पकड़ लेता है। और घेर मैंने इस तरह बनाया है इसका, जैसे 25 इंचेस की लंबाई थी घेर की, क्योंकि लंबाई नहीं सॉरी घेर जो है चौड़ाई इसलिए ली थी कि जैसे पीछे तक पूरा कवर कर जाए। ये पीछे से खुला जो रहता है तो अच्छा नहीं लगता, रेडीमेड जो पोशाक आती है उसमें पीछे से खुला रहता है, तो पीछे का पोर्शन खुला रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ तक कोशिश करें आप जब भी बनाएं तो प्लीज़ पीछे से खुला ना बनाएं। ये देखिए, पीछे पूरा टच लगा दिए तो पूरा अच्छे से कवर हो गया है। ये देखिए, इसको शोल्डर पर फिक्स भी कर सकते हैं, स्ट्रेट इस तरह लगा सकते हैं, इस तरह से साइड में भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह लगा सकते हैं। और ये बहुत सुंदर बनके तैयार हो गई है।
ये देखिए, तो ये बहुत ही आसान आज ये ड्रेस बनाई है मैंने राधा रानी की। तो आप लोग भी घर पर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।